पंच बदरी पंच केदार पंच पराग अखछ केदारेश्वर जय जय राम। दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ राणा और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड देवभूमि के कटनीगांव धर्मशाला लाहौर से। दोस्तों मैं हूँ इस समय सचिन भैया के साथ और आज हम जा रहे हैं धर्मशाला से कार्तिक स्वामी की ओर। दोस्तों यहाँ नीचे है ऋषि माता की, जय हो ऋषि। दोस्तों हम विद्यापीठ से आगे पहुँच चुके हैं और यहाँ देख सकते हो आप देख नहीं सकते, मैं महसूस कर सकता हूँ कि कितनी ताज़ी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। तो बांसवाड़ा में पहुंच चुके हैं हम और अब यहाँ से कार्तिक स्वामी के लिए एक अलग रोड जाते हैं हम। एक बार यहाँ पे थोड़ा टायर इस पे हवा कम थी तो हवा भर रहे थे और अब यहाँ से जाएंगे। अभी मेरा चश्मा पहन रहा है, पूरे रास्ते धूल उड़ रही है तो उससे आँख के लिए सेफ्टी हो जाएगा थोड़ा। आगे से काका और नितिन भाई जा रहे हैं और यहाँ पे हमारी धनु भी तैयार है। ओंदी हवा सरारा पांच लखुड़ घसों का भरा ठंडो मीठो पानी धारा वकी मेरु गो जग देव तो कुथान देव तो कुथान यक देव तो कुथान ऊंचाई वाला। हम आ चुके हैं अब यहाँ से चंद्रनगर 3 किलोमीटर है और यहाँ का गाँव का नाम पता नहीं हमें, चुकी है। तो दोस्तों हम कनकचौरी में पहुंच चुके हैं और रास्ते में ब्लॉगिंग आपने देख ली होगी और इस समय थोड़ा यहाँ पे बाइक यहाँ पे साइड पे लगा रहे हैं और अब यहाँ से है 3 किलोमीटर कार्तिक स्वामी का ट्रैक। दोस्तों वैसे तो मैं कार्तिक स्वामी आज दूसरी बार जा रहा हूँ लेकिन ब्लॉगिंग उस समय नहीं करता था, एक बहुत छोटे में गया था, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था उस समय। अगर आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर के आस मंदिर में तो नहीं मिलेंगे लेकिन नीचे पे दुकान देख सकते हो आप इधर उधर और यहाँ पे आपको शॉप दिख जाएंगी पूजा वगैरह या खाने के लिए जो भी सामान चाहिए होगा आपको ट्रैकिंग के लिए। हेलो इससे संपर्क कर सकते हैं आप ट्रैकिंग करने के लिए, बहुत अच्छी ट्रैकिंग कराते हैं ये। ऐसी कोई जगह नहीं उत्तराखंड में जहाँ इसने ट्रैकिंग ना कराई हो। काफ़ी एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है इस बंदे को, देख सकते हैं आप इसका सर्टिफिकेट देख सकते हैं। और बहुत ही सही बंदा, एकदम प्यार से ले जाता है। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से ऊपर की ओर और आज हमारे साथ एक नए शख्स भी जुड़े हैं, हमारे जाल लगाओ के जाने माने हस्ती काका जी। और अगर कोई यात्री लोग यहाँ से पैदल नहीं चढ़ पाते 3 किलोमीटर, ऐसे तो कम ही है लेकिन बाहर वालों के लिए बीच बहुत ज़्यादा है कड़ी चढ़ाई, तो आप यहाँ से खच्चर कर सकते हो, देख सकते हो खच्चर हैं इधर उधर। दोस्तों हमने यहाँ पे पर्ची काटी है अभी अभी और ये है मेरी, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ पर पहली बार मैंने पर्ची भी काटे आ गया। सचिन भाई जी हम ये भर लो, दरअसल मेरे को लगता है यहाँ बहुत बड़ा झोल हो रहा भाई, यहाँ बहुत बड़ा झोल हो रहा भाई। मां तो 40 रुपए दिए गाइस, कोई बात नहीं क्योंकि आप हम पहले ये कर लिखा क्या है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो जो कार्तिक स्वामी मंदिर है वो क्रौंच पर्वत पर स्थित है जो कनकचौरी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ से जो आपको व्यू दिखने वाला है ना वो A1 वाला दिखने वाला है। दोस्तों तो बहुत दूर रोटी खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी और अब यहाँ पे कुरकुरा खा रहे हैं। भाई जी क्या बन रहा है, चलो दिखाना वहाँ। दोस्तों पता नहीं अगर कोई यहाँ वाले देख रहे हैं ब्लॉग, देखते हैं 2-4 लोग देखते हैं यहाँ के, आप बताने यहाँ पे क्या बन रहा है। 230 मिला चुकी है। लोगों के वन देवियों के लिए यहाँ देखो क्या क्या कर रखे हैं।
पूरा सिंगार का सामान चुन रही यहाँ पे बांध के मंगलसूत्र में काका कह दिया कि तेरी काकी को ले जाऊंगा भाई पहले मंगलसूत्र को। यार देखो दोस्तों सचिन भाई हिट रहे मुझे मीन बोल चाहे दूसरी डा सब पेड़ में सिंगार कर रहे हैं बिल्कुल देखो बिंदिया लगी है सब पे दोस्तों। यहाँ देख सकते हो इतना शानदार व्यू है देखो फिर भी गंदगी देखो यहाँ पे। वीडियो के मकसद से नहीं बता रहा हूँ जब आप ऐसे अच्छे अच्छे जगह पर ट्रैक करते हो धार्मिक जगह पर ट्रैक करते हो कम से कम ऐसा कूड़ा करकर तो मत करिए। ये दुकान वालों की वजह से यार पर डस्टबिन भी तो है यहाँ पे डस्टबिन में भी तो डाल सकते हो। ओ सचिन मैं चुप रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ से एकदम अच्छा वाला रास्ता शुरू हो गया है। हाँ हाँ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे सड़क होगी यहाँ पे हम अगर काका इतने मतलब अगर काका वहाँ तक यहाँ बाइक लाते हैं ना तो यहाँ से हम बाइक चला देते आराम से इतनी अच्छी है यहाँ पे सब ज़्यादा नहीं होगा नहीं ज़्यादा नहीं मुझे वहाँ पर क्या बनना चाहिए था बाहुबली राइडर और यहाँ का नाम मुझे पता नहीं है दोस्तों लेकिन आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। पूजा की थाली भी है यहाँ पे बगल पे मेरा भोले बाबा हाँ मेरा भोलेनाथ कार्तिक स्वामी तुम देना होया मेरा स्वामी नाथ तुम देना होया। इनकी दोस्तों कैसे छुन लग रहे हैं केदारनाथ की आज के छुन लगा दो और ये चोरी कर दी हमारी वीडियो बॉस तुम गई क्या बॉस और दूसरा मंदिर भी है मंदिर का नाम तो पता नहीं मुझे दोस्तों। अब यहाँ से थोड़ा रह चुका है सीढ़ी चढ़ने हमने और एक बार बहुत पहले आया था यहाँ पे 6 में पढ़ता था तब और 6-7 बाद आया हूँ यहाँ एक अलग ही लेवल की खुशी हो रही है। उस समय तो मुझे बहुत चढ़ाई लगी थी क्योंकि ट्रैकिंग करने की आदत भी नहीं थी और छोटे में उतना नहीं चढ़ पाते लोग। और इस साल तो मैंने तुंगेश्वर की यात्रा भी कर ली है तो थोड़ा उसका आइडिया भी लग गया मुझे और यहाँ का तो कुछ भी नहीं है। उधर की साइड से हमने स्टार्ट किया था ट्रैकिंग वहाँ आप देख सकते हो और यहाँ आएंगे हम घूम घूम के लेक इतना दूर रहा है पर लेक थोड़ा भी नहीं लगा गाइस हमको यहाँ पे आने में ज़्यादा समय नहीं लगा हमको यहाँ आने में। जय हो कार्तिक स्वामी जी के। एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आखिरकार मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मयूर जी कार्तिक भगवान जी के वाहन है। जय श्री कार्तिक स्वामी। गणेश समझी तुम ने पढ़ो मी समझी तुम ने परायो बेटा मेरा इन बात ना बोले माता पिता को धर्म ना तोले गौर माता दण मण रोंदान बेटा मेरा बेरी नी हो दान राज रया कुटुंबो को वंश
जोन थर पे स्वामी जी को अंश राज रया सी बाटा सी घाटा। उत्तराखंड की क्रौंच चोटी पर स्थित यह मंदिर कार्तिक स्वामी का इकलौता मंदिर है जो उत्तराखंड में स्थित है। गणेश समझी तुम ने अपड़ू मी समझी तुम ने परायो बेटा मेरा इन बात ना बोल माता पिता को धर्म ना तोल। दोस्तों एकदम अच्छे से दर्शन करने के बाद हम यहाँ रोड में पहुँच चुके हैं और थोड़ा बाइक से तेल निकाल रहे हैं एक के जी, लेकिन भैया की स्कूटी में बाइक थोड़ा तेल कम है वो नीचे भराएंगे, तो यहाँ से शायद नीचे बांसवाड़ा तक नहीं जा पाएगा, थोड़ा तेल डाल लें उसमें। और मुझे लगता है ब्लॉग को इतना ही रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। ऐसे धार्मिक जगहों पे आपको घुमाता रहूँगा और बने रहे ब्लॉग में और मेरे वीडियोस में और मेरे यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं आपसे अगले नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देवी उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू।